बहुत हो चुका, अब तो इस शिवाजी को मैं। मामा साहब, क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हो? हटाओ इस खरगोश को यहाँ से, नहीं तो हम गिर जाते। मामा साहब क्षमा कीजिए, पर इसने तो बिल्कुल नहीं। अभी हम आपकी शिकायत माँ साहब से करके इस खरगोश को बाहर फिकवा देंगे। मामा साहब इसने कुछ नहीं किया। मामा साहब, मामा साहब, मामा साहब, मामा साहब, ऐसा मत कीजिए, इसने कुछ नहीं किया। मामा साहब ये तो बस कहार बालकी सरदार बाजी घोरपड़े के वाड़े पर ले चलाओ। दादा साहब, जब आपने आदिल शाह के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया तो आपको डर नहीं लगा? राजे कायर नहीं है। क्यों किसी से भयभीत हो इक्को जी? राजे सर हमारा उनके सामने झुकेगा जो आदर योग्य, या वो जिनसे हम बहुत प्रेम करते हो। अरे वाह दादा साहब वाह, आपका सिर तो सही बहनी के सामने झुक गया है। आप बहनी साहब जो बहुत प्रेम करते हैं ना। प्यार वो भी इनसे? क्या कहा? देखिए भगा दिया ना आपने। कितना प्यारा खरगोश है ना अन्ना? ये खरगोश हमारा है। नहीं, आया तो हमारे पास है ना, तो अभी हमारा है। नहीं, खरगोश सही को दे दो। तो? हाँ। ये खरगोश सही को दे दो। नहीं, हम नहीं देंगे। हमने कहा ना दे दो। ठीक है, तो पहले हमारी मुद्राएं वापस करो। कौन सी मुद्राएं? वही जो उस दिन बाजार में तुम्हारे कारण ज्योतिष लेकर भाग गया। अच्छे भले घर की लगती हो, परंतु मुद्राओं के लिए ऐसे रो रही हो जैसे। मुद्राओं की नहीं, अधिकार की है। जो हमारा है वो हम किसी और को नहीं लेने देंगे। अरे सुवेरा, अर्ना, आप दोनों कब आए? भाऊजी, ये दोनों मोहित मामा साहेब की बेटियां हैं। आओ आओ, आप यहाँ पर क्यों खड़े हो? लेकिन हमारा खरगोश? भूल जाओ उसे, अब ये हमारा है। आप दोनों झगड़ क्यों रही हैं? मिलजुल कर खेलिए। चलिए हमें दरबार जाना है। आज हमने आप सबको यहाँ ये बताने के लिए आमंत्रित किया है कि जिस मराठा स्वराज के लिए हम वर्षों से संघर्ष करते आए हैं, अब उस प्रण को निभाने का दायित्व हम किसी वीर युवक को देना चाहते हैं। इतना बड़ा अवसर मिलेगा उसे, कौन है आखिर, उसे किसे मिलने वाले हैं? तो आश्चर्य की बात है, तो हम भी नहीं समझ पा रहे। क्योंकि अब ये महत्वपूर्ण नेतृत्व युवा पीढ़ी को सौंपना आवश्यक हो गया है। नहीं महाराज साहब, आज तक हमारा नेतृत्व आप ही ने किया है और भविष्य में भी आप ही करेंगे। हाँ महाराज साहब, मानको जी सही कह रहे हैं। ये हमारी भी इच्छा है
महाराज साहब। हम आपकी भावनाओं का आदर करते हैं, परंतु अब समय आ चुका है। इस स्वराज के संघर्ष की बागडोर युवा हाथों में होनी चाहिए। ऐसा निडर, कर्तव्यनिष्ठ और बुद्धिमान नवयुवक जो राम की मर्यादा और कृष्ण की नीति के पथ पर चलना जानता हो, और इस चुनाव के लिए हम आपसे सहयोग चाहते हैं। किसका नाम लिया? कौन हो सकता है इसको? ये दायित्व कौन संभाल सकता है? इतना बड़ा दायित्व आखिर कौन संभालेगा? महाराज किसके बारे में सोच रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी दायित्व वाली बात है। बहुत बड़ी बात है। किसे मिले? क्या हुआ? आप सब चुप क्यों हैं? आप सबकी खामोशी हमें बेचैन कर रही है। क्या इस दरबार में एक भी ऐसा रणबांकुरा नहीं है जो इस संघर्ष की वलगा को थाम सके? क्यों नहीं है हमारा साहिब? है। कौन है वो? शिवाजी राजे। ये तो बहुत सही निर्णय है। शिवाजी राजे? जी हाँ महाराज साहिब, शिवाजी राजे भोसले। परंतु महाराज साहब, संभाजी राजे वर्षों से संघर्ष में आपके साथ रहे और आपके बड़े पुत्र भी। मेरे विचार से संघर्ष के नेतृत्व का दायित्व उन्हें सौंपा जाए। अवश्य यह अधिकार हमें ही मिलना चाहिए। हाँ हाँ, इनका कहना उचित है। तो सही है, बड़े भाई होने के नाते बहुत की बात है। शिवाजी शिवाजी जैसी बात नहीं है। वो वीर और वो इतने वीर हैं। ये भाई है। परंतु क्षमा कीजिए सोनोपत, हमें यह दायित्व स्वीकार नहीं। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा क्यों कहा? स्वीकार नहीं, सुधा नहीं। अपने भ्राता से बहुत कुछ कहते हैं। पर क्यों शंभू राजे? पंत क्या केवल बड़े होने के कारण ही अधिकार हमें मिले? नहीं, कभी नहीं। स्वराज्य के संघर्ष की बलगा संभालने के लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका स्वभाव विद्रोही, जो बुद्धिमान हो, जिसकी छाती में स्वराज्य की आग भरी, जिसकी आंखों में चपलता, और साथ ही साथ वो दूरदर्शी भी। और ये सारे गुण हमारे छोटे भाई शिवाजी राजे भोसले में मौजूद। कृष्ण के लिए जैसे बलराम थे, वैसे ही शिवबा के लिए शंभू राजे।
आप सभी के सहमति से इस स्वराज के संघर्ष का नेतृत्व हम शिवाजी राजे को सौंपते हैं। शिवाजी राजे बहुत